लक कितना मस्त रहा दुर्वे से। गुड मॉर्निंग, तब कैसे हैं आप सब। अभी भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और हम निकल रहे हैं छोटी सी राइड पे गांव। तो मिलते हैं आपसे व्लॉगिंग सेटअप पे। उससे पहले ना हम अपनी बाइक में थोड़ा फ्लशर लगा लेते हैं, हैजार्ड जो कि हमने निकाल के रखा था। तो ये रही अपनी बाइक, इसमें भी एक फ्लशर लगा लेते हैं। तो पहले मैं इसको खोल देता हूँ और इसके अंदर फ्लशर लगाना बहुत आसान है क्योंकि मैंने प्लग इन प्ले वाला ले रखा है। बाकी एक होता वायरिंग वाला जिसको आप मैकेनिक से ही लगवा सकते हैं, और हमने जो ले रखा ना वो है ये वाला। इसको हम जैसे जब मर्जी इसको हटा सकते हैं और जब मर्जी लगा सकते हैं। तो बस यही वाला लेना जब भी, अगर आप लगाओ तो ये वाला नॉर्मल प्लग खोलना है और इसमें ये इंस्टॉल कर देना है। अभी लगा के दिखाते हैं। तो इस पर अपना फ्लशर हो गया ऑन और चलते हैं। अब मिलते हैं आपको ब्लॉगिंग सेटअप पे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम दादरी पहुंच चुके हैं और अभी व्यू देखो सुबह का कितना प्यारा हो रहा है। और ये हमारा दुर्वेश भाई हमें मिला था रास्ते में गाजियाबाद, तो हमने वहाँ से इसको पिक किया। उसके बाद अभी हम दादरी पहुँच चुके हैं और सामने व्यू देखो सनसेट निकलने वाला थोड़ी बहुत देर में, कितना प्यारा लग रहा है। अभी अंधेरा हो रहा है इसलिए हमने व्लॉगिंग सेटअप ऑन नहीं किया, तो थोड़ी देर में हम इसको ऑन करेंगे फिर आपको मिलेंगे व्लॉगिंग सेटअप पे। जब तक आप व्यू के मज़े लीजिए थोड़े से। इस तो व्यू चेकआउट करो, कितना प्यारा व्यू है भाई। यूपी में आने का यही मजा है, गांव की तरफ आपको व्यू बहुत प्यारा देखने को मिलता है। तो देखो गाइस चेक करो। तो गाइस हम पहुंच चुके अपने व्लॉगिंग सेटअप पे। तो आप देख सकते हैं अपना सेटअप हो गया ऑन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग की। तो करते हैं स्टार्टिंग, देखते हैं व्लॉग आज कैसा बनता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की हमारी राइड वो जारी हो रही है गांव की। तो हम जा रहे हैं गांव, तो ये छोटी सी एक ट्रिप है हमारी। तो हम सुबह निकले थे 5 बजे, उसके बाद अभी 6:30-7 बजे है। तो 7 बज चुके हैं, हम बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं। तो अभी काफ़ी ठंड वंड लग रही थी मुझे रास्ते में, क्योंकि मैं सिर्फ अभी टी शर्ट वगैरह पहन के आया, तो काफ़ी ठंड लग रही थी। और बाकी हमने ब्लॉग अभी स्टार्ट करी थी, सुबह बहुत अंधेरा हो रहा था इसलिए हमें काफ़ी लेट स्टार्ट करनी पड़ी। और भाई उधर की फिर हमने अभी थोड़ी चाय वाय पी, उसके बाद हम निकल गए अपनी राइड कंटिन्यू रखते हैं। मिलते हैं आपसे आगे। अगर भाई ये क्या हजारा लोड हो गए भाई। अगर आप हमारे चैनल को नए तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि यार आपका ये सब्सक्राइब ना मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है वीडियोज बनाने के लिए, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाता है। प्लीज गाइस इसलिए सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आ रहा। अभी राइड के मजे लो आप, देखो चार पर कितना अच्छा व्यू है, सुबह सुबह मॉर्निंग हो रही है। आप व्यू चेक करो भाई, चेक करो भाई, तो क्या व्यू आ रहा है, सारा आ रहा है, तगड़ा व्यू आ रहा है ना यूपी में। यही एक यूपी तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है। सुबह सुबह निकलो ना यहाँ पे, व्यू देखने को बोलते हैं क्या व्यू आ रहा है, कैसा व्यव रहेगा हमारा। ये उसमें विंडोज कम आए थे तो ठीक है, अब क्या विंडोज ज़्यादा आ गई तो क्या पूरे ब्लॉक के हाल लग जाएंगे सीन हो जाता है पूरा पूरा भाई। आपने सीमेंट फैक्ट्री देखी कभी? देखिए चेक आउट करो, ये सीमेंट या टायर्स फैक्ट्री है भाई। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ना, इसको कोई नहीं देखेगा। अगर हमारी बाइक हल्का का धुआं देगी ना तो गंदे रोड लेते, क्योंकि यहाँ पे इस पॉल्यूशन में उनको पैसा मिलता है अंधा, और इससे चलान काट के पैसा मिलता है। तो भाई क्या पहले चेक करो, व्यू चेक करो और मुझे बताओ कैसा लग रहा है कमेंट में, इतना प्यारा व्यू आ रहा है।
स्टंटिंग कम करके व्लॉगिंग चालू कर दी है। तो स्टंटिंग भी दिखाएंगे आपको, एक से तगड़े वीडियो आने वाले हैं। और अभी तो बाइक से तो पूरा एकदम एक नंबर होना है, वन इन इंडिया तो नहीं, वन इन दिल्ली तो कर ही देगा। जो 200 BS4 है उसको वैसे एक अलग ही लुक देना है, एकदम रैप वगैरह करवा के एग्जॉस्ट लगवा के इसके अंदर पूरे के पूरे, इसमें टैकल्स वगैरह जो भी लगे रैप वगैरह सब कुछ करवा देंगे, एकदम टैंक पैड वगैरह सब लगवा देंगे। तो इसे वन इन दिल्ली तो बना ही देना है, इंडिया नहीं तो दिल्ली। गाइस चेक आउट भाई, कितना प्यारा सनसेट है। तो हमारी गुड मॉर्निंग अब हो रही है फिर से। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गाइस, लाइट्स कैमरा एक्शन भाई। ऐसी अगर व्यू मिलते हैं भली बात है। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं, अभी शिकारपुर पहुंच चुके हैं, अभी हम यहाँ पे रुकेंगे इस पे रेस्टोरेंट पे। ओ शिट, रेस्टोरेंट ही गाइस अभी शायद खुला नहीं है, देखते हैं अगर कुछ खाने को मिल जाए तो यहीं रुकेंगे अभी 10 मिनट। ये है गाइस श्री साईं धाम। तो अभी जब तक आपको मंदिर दिखाते हैं, अभी तो रेस्टोरेंट खुला है तब तक मंदिर दिखाते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। तो जब तक आपको मंदिर दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर है साईं बाबा का। गाइस आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पूरा साईं बाबा का वो बना रखा है, ये देखो गाइस इधर की साइड जो इसका फ्रंट है, यहाँ पे बड़ा प्यारा सा गार्डन बना रखा है एक छोटा सा। और उसके बाद अभी यहाँ पे मंदिर का ये है गेट, तो आपको यहाँ से चेक कराते हैं। सामने मंदिर कितना प्यारा है यहाँ से गाइस, ये देखो कितना प्यारा मंदिर है, अंदर काफ़ी प्यारे साईं बाबा बैठा रखे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो भी बंद है अभी, आपको दिखा नहीं सकते, बाकी ये चेक करो ये प्यारा सा गार्डन। तो अभी मैं कुछ खाने के लिए रुके थे, बाकी यहाँ रुक के बहुत अच्छा लगा, मैं हर बार रुक। वहाँ से तो हम अभी निकल चुके हैं, क्योंकि साईं बाबा धाम जो है वहाँ पे जो होटल है रेस्टोरेंट, उसको तो हमें कुछ खाने को मिला नहीं, क्योंकि सुबह जो खुला है तो बोले तो कम से कम 10 बजे के बाद ही मिलेगा, तो अभी 9 बजे हैं। अभी बस आगे देखते हैं कहीं पर कोई सबसे खाने को मिलेगा तो खाएंगे। और बाकी भी आज नरोड़ा पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे आपको इतनी प्यारा व्यू दिखाएंगे ना गंगा जी का, बहुत ही प्यारा भाई, वहाँ से गंगा जी बहती हैं, इतना प्यारा डैम है पूरा, उसके पास से इतना प्यारा व्यू आता है ना, बहुत बड़ी गंगा जी हैं। तो आपको गंगा जी दिखाते हैं हम रास्ते में आगे। बाकी आज रोड इस टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। तो गाइस अभी हम नरोड़ा पहुँच चुके हैं, तो ये यहाँ से नहर कट हुई है, ये देखो चेक करो नहर। फिर उससे आगे आपको नरोड़ा वाली गंगा जी दिखाते हैं, मैम जो है बहुत ही बढ़िया भाई, इतनी प्यारी लगती है ना, खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो वो दिखाएंगे आपको आगे चल के। तो वीडियो में ऐसी बने रही है, आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, बनी हुई है, और राइड की भी आएंगी, स्टैंडिंग भी आएंगी, हर तरह की वीडियो आएंगी। बाकी अगर आपको स्टैंड वगैरह सीखने ना, तो भाई मेरी वीडियो चेक करो, रोलिंग सीखने तो रोलिंग सारे स्टेज की वीडियो में डाल रखी है,
तो गाइस हम फाइनली नवेरा पहुंच चुके हैं। तो ये है नवेरा घाट, तो ये है नवेरा वाला पुल। तो गाइस चेक करो कितना लंबा पुल है, ये देख रहे हो आप। और अभी आपको यहाँ के व्यू दिखाते हैं हम, कितने प्यारे प्यारे व्यू है, उनको सिनेमैटिक्स में लगा देंगे। और वैसे भी आपको दिखाते हैं कितने प्यारे व्यू हैं यहाँ के। गाइस ये बाइक खड़ी हुई है, ये देखो व्यू चेक करो गाइस, एकदम ये देखो क्या व्यू आ रहा है। और भाई इधर चेक करो है, कितना प्यारा व्यू है पूरी गंगा जी। ये भाई डैम है, इसके आगे कितना अच्छा व्यू आ रहा है पूरा। ये हमारे ध्रुवेद भाई खड़े हैं फुल चश्मा वश्मा लगा के। तो कह रहे मजा आ रहा ध्रुवेद राइड पे? भाई ध्रुवेद तो कह रहा बहुत मजा आ रहा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा। और सामने चेक करो क्या है वो, यहाँ पे गाइस जो भी आपकी गोलीज वगैरह बनती है ना गन वन की, वो सब वहाँ पे बनती हैं। वो पावर हाउस है जो कि कई है, तो ये सीक्रेट है किसी को पता नहीं है यहाँ पे। भाई गाइस चेक करो ये पूरा घाट है, उधर व्यू आ रहा है यहाँ पे देखो। ये इधर की तरफ लोग नहा आ रहे हैं, गंगा जी का डैम है उसका वो घाट है। और ये भाई यहाँ पे देख पैसे निकाल रहा, भाई इनकी ट्रिक भी अलग ही होती है पैसे निकालने की। और वैसे इधर देखो पूरा खाली, जब जब यहाँ ओवर होता है ना ये, जब डैम खुलता है तो पूरे यहाँ पानी पानी होता है चारों तरफ, इधर भी इधर भी। तो मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है, जब भी मैं गाँव आता हूँ तो यहाँ नहाता ज़रूर, लेकिन इस बार थोड़ा हम लेट हो रहे हैं इसलिए इस बार नहाएंगे नहीं, नहीं हर बार यहाँ नहा के जाते हैं। देखो गाइस है एक नंबर जगह है। अगर आप भी कोई यूपी से हो और कहीं पे आ रहे जा रहे हो नरोरा होके निकल रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूर रुको, थोड़ी देर रुक के देखो, भाई बड़ा ही प्यारा व्यू है। तो अभी रोड क्रॉस करते हैं, अपनी बाइक वाइक लेके चलते हैं यहाँ से, और आगे रुकेंगे कहीं कुछ खाएंगे वाएंगे हमारे तो। गाइस ये हैं बड़े बड़े डैम, जब ये बंद होते हैं तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नीचे चला जाता है तो बंद हो जाता है, ऊपर आता तो खुल जाता है। अभी ये खुला हुआ है, है? खुला हुआ है, आधा बंद है। लक कितना मस्त रहा दूर वैसे, ये जो जूते चप्पल कूड़ा बह के आता है ना इसमें। तो अभी ग्लव्स वगैरह अपने पहन लेते हैं फिर चलते हैं, आपको आगे मिलते हैं। भाई ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करने वाला हूँ, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और बंदे देखना ही पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबा वीडियो। तो करते हैं गाइस अभी आगे चल के इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, अभी हम कुछ खावा लेते हैं फिर उसके बाद ब्लॉग को उसे ख़त्म कर देंगे। और ऐसी राइडिंग ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक शेयर। तो गाइस इस ब्लॉग को हमने यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपने देखा कितना प्यारा पीछे नरोरा हमारा कितना प्यारा वो देख लिया आपने, हमने आपको शिवरात्रि मंदिर भी दिखा दिया और अपने पूरे रास्ते का जो भी था हमारा सीन आज का सब दिखा दिया। हमें खाना नहीं मिला सही से, कहीं भी था कि वो सब ठीक था हमारे साथ। गाँव भी हम पहुँचने आए, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, अभी थोड़ा बाहर से कुछ खा वा के फिर हम अपने घर पहुँचेंगे गाँव में। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक लिए बाय। तो गाइस नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो शेयर करो, और एक अच्छे से कमेंट में बताना गाइस कैसा था हमारा व्लॉग, कि हमने व्लॉगिंग करने के लिए ट्राई किया सही था नहीं था, व्लॉगिंग हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, प्लीज़ गाइस एक कमेंट ज़रूर करना। तो जब तक के लिए बाय।